तो दोनों हाथों से बढ़ेगी, इसका दूध और दूध पाने का पानी सरकार कर देगी और आगे भी कोई इनकी मांग होगी हम पूरा करेंगे। देवली उनियारा सीट पर उपचुनाव की वोटिंग के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा द्वारा एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारने के बाद समरावता गांव में हुई हिंसा के मामले को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। इस घटना को लेकर भजनलाल सरकार के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने आज समरावता गांव के प्रतिनिधि मंडल के साथ गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बैडम से मिलने उनके आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि ग्रामीणों ने सरकार के सामने अपनी 4 मांगे रखी थी, इनकी सभी मांगों को मान लिया गया है। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस में किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि हमारा मन बन गया है, हम इनके हर तरह के नुकसान की भरपाई करेंगे, एक असेसमेंट रिपोर्ट बनाई जाएगी जिसमें किसका कितना नुकसान हुआ इसका जिक्र होगा। इस रिपोर्ट के आधार पर ही लोगों के इलाज, मकान और वाहन में हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी। 9 निर्दोष लोगों को छोड़ दिया गया है, वहीं 35 बाइक, 7 कार का नुकसान हुआ है, इसमें पुलिस के वाहन भी शामिल है जिनकी संभागीय आयुक्त जांच करेगा, जिससे कि सीमित समय में लोगों को न्याय मिल सके। इसके साथ समरावता सहित 5 ग्राम पंचायतों को देवली उपखंड से हटाकर उनियारा उपखंड में शामिल करने पर भी सहमति बन गई। किरोड़ी लाल मीणा ने प्रेस वार्ता में बताया कि समरावता सहित 8 गांव उनियारा में मिलाए जाएंगे। आपको बता दें कि गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बैडम, कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी और समरावता के गांव के प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई वार्ता में यह सहमति बनी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब किरोड़ी लाल मीणा से पूछा गया कि नरेश मीणा की गिरफ्तारी में देरी क्यों हुई, इसका जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि ये जांच का विषय है, डिवीजन कमिश्नर इस मामले की जांच कर रहे हैं, जैसे ही जांच पूरी हो जाएगी वो रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी जिसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। इस मामले की ज्यूडिशियल इंक्वायरी हमने टाल दी थी क्योंकि उसमें बहुत समय चला जाता है और अगर न्याय समय पर नहीं मिलता तो लोग अधीर हो जाते हैं, यही सब सोचकर हमने डिवीजनल कमिश्नर से एक सीमित समय में जांच पूरी करने के लिए कहा है।